जीरो निकालने का मतलब यह हुआ कि एक्स का वो वैल्यू निकाला जाए जिसके लिए पी एक्स हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो क्यों ना हम इसको पहले ही जीरो मान करके और एक्स का वैल्यू निकाल दें। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज करने का तरीका आप लोग को मालूम होगा, इस मिडिल टर्म को हमें क्या करना होगा, स्प्लिट करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने के लिए 3 और 1, मतलब ये जो -3 है और ये 1 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो करके -3 आएगा। और हमें कितना लाना है इसमें, -2 लाना है। तो -2 कैसे आएगा, -3 अब +1 कर देंगे तो -2 आ जाएगा। यानी हम इसको तोड़ सकते हैं क्या, -3x ये वाला टर्म हो गया और +1x, यानी कि हम दो दो का पेयर इसमें ले लेते हैं। बोलो इन दोनों में कौन कॉमन होगा, x, तो आ जाएगा x-3 और इसमें भी आ जाएगा x-3। अब इन दोनों में बताओ कौन कॉमन है, x-3, ये दोनों में है ना कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा x+1। तो क्योंकि देखो जो दो चीज़ें हैं आपस में मल्टीप्लाई में है और इसका वैल्यू जीरो है, यानी ये बतलाता है कि आइदर x-3 बराबर जीरो होगा और x+1 बराबर जीरो होगा। तो इससे हमें x का वैल्यू 3 आ जाएगा और x का वैल्यू -1 आ जाएगा, इसलिए x=3 और -1 ये दोनों जो है वो जीरोज कहलाएंगे।